हेलो दोस्तों, मेरा नाम देवांग कनाडा। लाइव साइट्स विजिट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए, हम शेला एरिया में लोकेटेड एक और नया प्रोजेक्ट लेके आए हैं। रत्न ग्रुप वालों का प्रोजेक्ट है टर्कोइश ब्लू। इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत सारी खासियत है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ और आपको लाइव सैंपल हाउस की विजिट भी करवा देता हूँ। इससे पहले थोड़ा जान लेते हैं शेला एरिया के बारे में और रत्न ग्रुप वालों के बारे में। तो दोस्तों, शेला एरिया की बात करते हैं। शेला में आपको 200 फीट रिंग रोड की कनेक्टिविटी मिलती है। पास ही में क्लबो 7 है, कॉमर्शियल्स बिल्डिंग है, स्कूल्स है वगैरह वगैरह, सारी की सारी चीज़ें, बेसिक जो चीज़ें हम लोगों को रेजिडेंशियल या कोई भी पर्पस के लिए चाहिए वो सारी की सारी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। अब बात करते हैं टर्किश ब्लू के बारे में। टर्किश ब्लू 3 BHK अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है जिसमें ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर आपको कॉमर्शियल्स मिलेगी। G+13 स्टोरी की बिल्डिंग है, 194 यूनिट्स आपको मिलेंगे। टोटल 2 टावर की बिल्डिंग है ये, जिसमें एक टावर में 2 ब्लॉक हो गए, टोटल 4 ब्लॉक का ये अपार्टमेंट आपको रहेगा। सारे के सारे 816 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया साइज़ के मिलेंगे। सैंपल हाउस की हम विज़िट करते हैं, इसके पहले मैं आपको थोड़ी बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। बात करते हैं हम एमिनिटीज़ की। एमिनिटीज़ में हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे, जिम, योगा रूम, मिनी थिएटर, लॉन्च एरिया, बच्चों के लिए सैंड पिट एरिया, मतलब ये बेसिक एमिनिटीज़ सारी जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में चाहिए सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कर दी जाएगी। चलिए, हम आपको ले जाते हैं सैंपल हाउस की विज़िट के लिए। चलिए दोस्तों, अपनी सैंपल हाउस की विज़िट करते हैं। उससे पहले मैं आपको अपना वेस्टिबुल एरिया दिखाता हूँ, जो कि अच्छी खासी स्पेस मिलती है हमको, हम बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 3.5x6 का आपको वेस्टिबुल एरिया मिलता है, जहाँ पे अपना कुछ भी आप एलिवेशन कर सकते हो, अपना शूरेक वगैरह की अच्छी खासी स्पेस यूटिलाइज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। आइए अंदर चलते हैं। तो हम लोग टर्कोइश ब्लू के सैंपल हाउस के अंदर आ चुके हैं। जैसे कि आप एंट्रेंस में ही देख सकते हैं, अपना जो मेन डोर है वो 7.5x3 फीट का डोर है, जो कि वैल्यू होम्स में बहुत कम देखने को मिलता है। ज़्यादातर लग्जरियस होम में ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। हमारे टर्कोइश ब्लू की एक और बहुत बड़ी अच्छी खासियत है कि यहाँ पर आपको 10 फीट की क्लियर हाइट मिलेगी, जो कि कोई भी वैल्यू होम्स या वैल्यू अफोर्डेबल जोन्स में आपको ये वाली हाइट नहीं देखने के लिए मिलेगी। ज़्यादातर 10 फीट के नीचे ही आपको देखने के लिए मिलेगी। बात करते हैं हमारे लिविंग एरिया के बारे में। लिविंग एरिया है अपना 16x10 फीट का अपना लिविंग एरिया है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी खासी स्पेस यूटिलाइज की गई है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे हम लोग सोफा सेट वगैरह भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सामने टीवी यूनिट के लिए पॉइंट्स वगैरह दिए चुके हैं, आप सामने टीवी देख सकते हो, अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छा खासा एंजॉयमेंट हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम हॉल के अंदर एंटर हुए हैं, आपको सामने देखने के लिए मिलेगी यहाँ पे प्रॉपर सेटिंग बालकनी, जो कि 4.5x5 की बालकनी है। इसमें हम 2 या 3 लोग आराम से बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, आप अपने पार्टनर्स के साथ बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। इतनी वैल्यू होम्स में इतनी साइज़ वाली सेटिंग बालकनी आजकल इस कॉन्सेप्ट में नहीं देखने के लिए मिलती, जो कि टर्कोइश ब्लू ने हमको प्रोवाइड कर दी गई है। चलिए आपको किचन की तरफ ले जाता हूँ। टर्किश ब्लू वालों ने किचन बहुत अच्छा यूटिलाइज किया गया है। ये किचन आपको करीबन 8x12 का आपको किचन मिलेगा अप्रोक्स। यहाँ से आपको सीधा वॉशयार्ड का बहुत अच्छी साइज आपको मिल रही है। वॉशयार्ड करीबन आपको 5x5.5 का वॉशयार्ड मिलेगा, जहाँ पे आप अच्छी खासी स्पेस मिल रही है, अच्छा सैनिटरी वेयर दिया गया है, आप अपना वॉशिंग मशीन की साइज़ भी यहाँ पे अच्छी यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो ये था दोस्तों किचन, लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया। अब हम आपको ले चलते हैं बेडरूम्स की तरफ। 3 BHK 3 बेडरूम में आपको सबसे पहले बेडरूम की विज़िट करवाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो 10x11 का ये बेडरूम है, बहुत अच्छी खासी स्पेस यूटिलाइज़ की है। अपना बेड से लेकर वार्डरोब तक, अपना टीवी यूनिट भी आप यहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते हो। स्पेस वाइज बहुत अच्छा दिया गया है। जनरली वैल्यू होम्स में क्या होता है कि आप लोगों को 10x10 के रूम मिलते हैं, बट टर्कोइश ब्लू वालों ने आप लोगों को 2 रूम 10x11 के दिए हुए हैं और तीसरा मास्टर बेडरूम 10x12 का दिया गया है। हम ये पहला बेडरूम देख रहे हैं 10x11 का, जिसमें अटैच वॉशरूम भी है, जिसकी साइज़ भी बहुत अच्छी खासी दी गई है। आइए आपको इनकी भी विज़िट करें।
ये करीबन 5.5x2.4 का वॉशरूम मिलेगा, जो कि जनरली वैल्यू होम्स में भी इतना बड़ा वॉशरूम भी नहीं मिलता। ये था हमारा पहला बेडरूम। जैसे कि हम पहले बेडरूम के बाहर आते हैं, सामने ही अपना एक कॉमन वॉशरूम भी मिलता है यहाँ पे। और आइए चलते हैं दूसरे दोनों बेडरूम्स की तरफ। आइए दूसरे बेडरूम में, ये भी सेम साइज का बेडरूम रहेगा, 10x11 का ये रूम रहेगा। ये हमने एज ए चिल्ड्रन बेडरूम मेंशन किया गया है, आप देख सकते हो बच्चों के लिए अच्छा बेड यूटिलाइज किया गया है, उन लोगों का स्टडी टेबल यूटिलाइज किया गया है, आप देख सकते हो वार्डरोब की भी जगह बहुत अच्छी मिल रही है, मतलब सारी चीज़ें रूम में बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज की जा सकती है। आइए चलते हैं हम अपने मास्टर बेडरूम की तरफ। चलिए चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। ये अपना तीसरा मास्टर बेडरूम है, जो प्रॉपर 10x12 का आपको बेडरूम साइज़ मिलेगी आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें बेड, वार्डरोब, एक सिटिंग एरिया, टीवी यूटिलाइज किया गया है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज की गई है, फिर भी आपको रूम में बहुत अच्छी खासी स्पेस देखने के लिए मिलेगी। और ये मास्टर बेडरूम में ये अटैच वॉशरूम भी आपको मिलेगा, जिसकी भी स्पेस बहुत अच्छी खासी दी गई है, सबसे बेस्ट सैनिटरी फिटिंग्स वगैरह सब कुछ अच्छा मिलेगा आपको यहाँ पे। तो दोस्तों, रत्ना ग्रुप वालों का टर्किश ब्लू 3BHK प्रोजेक्ट हमने देखा है। जैसे कि हमने देखा, बहुत ही अच्छी स्पेस, बहुत ही अच्छी तरीके से सब कुछ यूटिलाइज किया गया है। ऐसी और अच्छी साइट विजिट के लिए हमारी चैनल्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।